और चलिए अब बात कर लेते हैं ठंड की। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। केदारनाथ, गंगोत्री, औली और हरसूल में हिमपात लगातार जारी। मैदानी इलाकों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालक परेशान है। टनकपुर में ठंड से अज्ञात व्यक्ति ने भी दम तोड़ा है। तो ठंड से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, ये पूर्वानुमान फिलहाल जताया जा रहा है। देहरादून में 30 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी भी घोषित की गई है। तो विजिबिलिटी बेहद कम है, वाहन चालकों को परेशानियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से ठंड प्रकोप बनता जा रहा है। अलाव का सहारा लोगों ने लिया हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बर्फबारी तो कहीं शीतलहर और कोहरे ने जीना मुखाल लोगों का कर दिया है। तो ऐसे में देखिए तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की तस्वीर है जहां देखिए बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। टनकपुर की बात करें तो ठंड से अज्ञात व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। तो पहाड़ पर बर्फबारी किस कदर भारी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड